खूबसूरत टाइम में आपका स्वागत है। खूबसूरत टाइम के साथ सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीखना आसान है, बस करना एक काम है, आना मुकाम है, प्रैक्टिस करना अपना ईमान है। फ्रेम द सेंटेंस इन माइंड बिफोर यू स्पीक। बिल्कुल भी शरमाइएगा मत रुकने में, प्रैक्टिस करिए सेंटेंस फ्रेमिंग की इन इंग्लिश। क्लियर बोलो एवरी लाउड। कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच मैकेनिज्म। ना भागना है ना रुकना है, स्पीच की स्पीड नॉर्मल रखनी है। इफ़ यू फंबल सो अपोलाइज एंड कीप स्पीकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर एटीट्यूड एंड स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ। राइट, यू नो कुछ भी सीखने के लिए इन्वॉल्व होना जरूरी है। उदाहरण से समझो, जरा गौर फरमाना मेरे लफ्जों पर। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है और मैं आपको बताऊं कि लाइक दिस स्टीयरिंग है, बस इसको घुमाना है, ऐसे करो वैसे करो, इधर लेफ्ट उधर राइट, ये गियर है, पहला इस तरफ दूसरा उस तरफ, अल्लाह वाला सब कुछ बता दूं, बस मात्र सुनने से आप सीख जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यस, आपको पता चल जाएगा सुनने से कि क्या चीज़ें कहाँ हैं और कैसे क्या किया जाता है। परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए क्या करना होगा? परफेक्शन लाना होगा। परफेक्शन कैसे आएगा? परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? करने से होगी। जब तक आप खुद नहीं बैठोगे सीट पर, कहाँ से सीखोगे? सीखने के लिए बैठना है सीट पर, चलानी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। प्रैक्टिस इज द की टू लर्न विद परफेक्शन। यू हैव टू सिट ऑन द सीट, यू हैव टू होल्ड द व्हील एंड स्टार्ट लर्निंग। कुछ भी सीखने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब तक खुद कार ड्राइव करोगे नहीं, ब्रेक मारोगे नहीं, ठोकोगे नहीं, कहाँ आएगी आपको कार चलानी? तभी तो कार चलानी सीखोगे, तभी तो आएगा परफेक्शन विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सो आई विल बी बैक विद अ सिमिलर कंटेंट एंड सम अदर नाइस थिंग्स फॉर यू। सो मीनवाइल स्टे इन टच। थैंक यू।